हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट फॉर एवर। हमारे चैनल में आपका एक बार स्वागत है फिर से। और इस वीडियो में हम बात करने वाले, एक चार्ट ऑफ द वीक की बात कर लेते हैं या चार्ट ऑफ द डे की बात कर लीजिए। एक ऐसा स्टॉक्स जहां पर आईटी का स्टॉक्स है, आईटी में आपने देखा है लगातार गिरावट होती हुई नजर आ रही है, बट ये उसके अगेंस्ट में चल के ये भाग रहा था और उसके बाद यहाँ पर गिरना शुरू हो गए पर्टिकुलर स्टॉक्स। और अब यहाँ पर ये स्टॉक्स यहाँ पर अच्छा खासा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर मुझे नजर आता है कि यहाँ पर अब ये स्टॉक्स को हमें बाई करने की कोशिश करनी चाहिए और अपर सर्किट लोअर सर्किट का खेल होता हुआ नजर आ सकता है। एक स्टॉक्स कुछ टाइम पहले हमने यहाँ पर देखा, हमने आपको बताया था एम क्लाउड, ओके, मैगलैनिक, यहाँ पर स्टॉक्स से रिलेटेड आप बातें करी थी, 3800 रुपए पे ये स्टॉक्स दिलाया था। उसके बाद यहाँ पर एक पीए गुना, ये स्टॉक 5 गुना होता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद से लगातार यहाँ पर लोअर सर्किट लगते हुए नजर आ रहे। तो यहाँ पर ये स्टॉक्स की बात नहीं कर रहे, हम बात करने वाले एक और पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड जिसका नाम है विरंची लिमिटेड। विरंची लिमिटेड आईटी का स्टॉक्स है, ओके, काफी टाइम से मेरे रडार पे था, 135 से रिडार पे था, फिर ऊपर भागता हुआ नजर आया, फिर यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे अब यहाँ पर एक फेवरेबल ये पर्टिकुलर चीज नजर आती है पर्टिकुलर स्टॉक्स में। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे, जानेंगे स्टॉक से रिलेटेड। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको वीडियो फौरन तौर पर मिले। और हमारी फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठाना है तो आप यहाँ इस नंबर पर कॉलिंग कर सकते हैं और यहाँ पर इस पर्टिकुलर नंबर पर व्हाट्सएप और कॉल कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। बट बिफोर द वीडियो में और आगे बढ़े, यहाँ पर 2 वीडियो आ चुकी है, जाके देखिए, चीजें समझ में आती हुई नजर आएगी। कोई भी क्वेरीज होगी तो यहाँ पर क्वेरीज भी आप रेज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड कोशिश करूंगा जवाब देने की। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हम जिस स्टॉक से रिलेटेड बातें करने वाले हैं उसका नाम है विरंची। विरंची की अगर मैं बात करूं तो ये एक आईटी स्टॉक्स है, ओके। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं फिनटेक, ओके, ग्लोबल कंसल्टिंग एंड टेक्नोलॉजी सर्विस एंड हेल्थ केयर कंपनी में एक कंपनी काम करती हुई नजर आती है सेगमेंट में। द कंपनी इज हेडक्वार्टर्ड इन हैदराबाद एंड हैज एक्सपेंडेड इट्स प्रेजेंस अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट एंड एशियन पैसिफिक। मतलब यहाँ पर ये पर्टिकुलर हेड ऑफिस यहाँ इनका हैदराबाद में है और इंडिया में ही नहीं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं और नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट एंड एशियन पैसिफिक में ऑलरेडी है। इनके रेवेन्यू की बात करें, हेल्थ केयर से 42% आता है, सॉफ्टवेयर से 40%, इसके अलावा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बनाने में 40%, सॉफ्टवेयर सर्विसेज से 17%। ये 2020 में जो इनके रिटर्न आए उसकी बात यहाँ पर हो रही है। आईटी इनेबल सर्विस से यहाँ पर 1% आता हुआ दिखाई दे रहा है इनका रेवेन्यू। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की बात करें, अलग अलग प्रोडक्ट्स में ये कंपनी काम करती हुई नजर आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं विरंची हॉस्पिटल से हेल्थ, यहाँ पर इनका हॉस्पिटल भी आई थी, केस ऑफ सिस्टम में कंपनी काम करती हुई नजर यहाँ पर अगर देखेंगे तो। फाइनेंशियल सर्विस इन यूएसए, आईटी सर्विस कंसल्टिंग एंड टेक्नोलॉजी सर्विस थ्रू इट्स यूएस बेस्ड 100% सब्सिडरी केस ऑफ सिस्टम में भी ये कंपनी, अगर बात करें केस ऑफ सिस्टम, इन्होंने 100% शेयर, मतलब यहाँ पर सब्सिडरी बाई कर लिया केस ऑफ सिस्टम को इन्होंने, ओके। इसके अलावा यहाँ पर देखे प्रोडक्ट इन इंडिया, वी कार्ड, इंडियाज फर्स्ट यूपीआई बेस्ड क्रेडिट कार्ड, यहाँ पर यूपीआई बेस्ड क्रेडिट कार्ड है इनका वी कार्ड के नाम से। सब्सिडीज की बात करें, 10 सब्सिडीज है, ऑफ विच वन ऑफ इज द रियल इस्टेट सेक्टर, 2 एक उनका रियल इस्टेट सेक्टर का है, 2 हेल्थ केयर सेक्टर के। केस ऑफ सिस्टम इज होली ओन्ड बाय सब्सिडी बेस्ड इन द यूएस, इन्होंने ये पर्टिकुलर इनकी कंपनी है, और इट इज द ओनली यूएस बेस्ड सब्सिडी, ऑल द अदर सब्सिडी आर बेस्ड इन द इंडियन ओनली। तो अगर बात करें बाकी सब की सब इंडिया में ही यहाँ पर लोकेट करती है। एंट्री इन टू हेल्थ केयर सेक्टर में इन्होंने लिया एंट्री करी है, 1 टाइम लाइसेंस फी इनकम इन्होंने देती हुई नजर आई है। तो कंपनी यहाँ पर धीरे धीरे अच्छी नजर आती है और धीरे धीरे अपने आप को एक्सपेंड भी कर रही है और काफी टाइम से यहाँ पर मार्केट में लिस्टेड भी है। यहाँ पर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले शेयर 2005 से लिस्टेड है, उसके बाद ऊपर गया, एक कंसोलिडेशन फेज इसने देखा, फिर उसके बाद शेयर अच्छा खासा भागा, गिरावट हुई और फिर यहाँ पर दोबारा ये शेयर यहाँ पर भागता हुआ नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस कंपनी के बारे में और भी बहुत सारी चीज अगर आप जानना चाहते हैं तो इनकी एक बार वेबसाइट पर विजिट कर लीजिएगा, तो और भी यहाँ पर आपको एक आइडिया लगता हुआ नजर आएगा कि एग्जैक्टली कंपनी है क्या, कंपनी किस सेगमेंट में काम करती है, कंपनी के क्लाइंट्स क्या है, वो सब कुछ आपको, इनके मैनेजमेंट कौन कौन से, इनके सीईओ कौन है, सीएफओ कौन है, ये सब चीज आपको यहाँ पर नजर आती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर आप इन पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड यहाँ पर और भी बहुत सारे इनके प्रोडक्ट्स से रिलेटेड, इनके प्रोडक्ट सर्विसेज से रिलेटेड यहाँ पर सब चीज यहाँ पर आप जान सकते हैं। तो यहाँ पर आते हैं फाइनेंशियल्स की तरफ आते हैं थोड़ा सा। तो देखिए माइक्रो कैप कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी रिस्क भी ज्यादा रहता है, रिवॉर्ड भी उसी हिसाब से देगी, और 452 करोड़ की कंपनी है, ज्यादा मार्केट कैप नहीं है, 33 के PE पे कंपनी मिल रही है, 10 का आर ओ सी है, आर ओ यहाँ पर ज्यादा नहीं है, 45% का यहाँ पर इनके पास डेट भी है,
इसके अलावा इंडस्ट्री का पी 29 है, इनका 33 है, लगभग सेम ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। बुक वैल्यू की बात करें 95 की है और उसी के आसपास शेयर नजर आता है। इंट्रेंसिक वैल्यू के यहाँ पर शेयर नीचे नजर आता है और 202 इसने हाई बनाया था अभी फिलहाल, उसके बाद से शेयर लगभग हाफ के लगभग कह सकते हैं कि यहाँ पर क्रैश होता हुआ नजर आया है, मतलब गिरता हुआ नजर आया। और ये गिरावट उसी के साथ है, ये गिरावट अभी मार्केट में गिरावट थी इस वजह से गिरावट होती हुई नजर आई है। और मैं वेट कर रहा था कि ये शेयर कब नीचे आए टू बी वेरीफाइंग। और यहाँ पर देखे तो ये देखिए कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर परफॉर्मेंस कर रही थी, जस्ट बिकॉज कोविड ने यहाँ पर नीचे आया दोबारा यह कंपनी ने परफॉर्मेंस करना शुरू किया। इस लास्ट टाइम की इस बार की शेयर सेल की बात करें 81.96% है, कुछ खास नहीं है सेल्स, बट स्टिल कंपनी यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्मेंस एक साइड बेस जोन में यहाँ चलती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर देखिए कंपनी के ओपीएम मतलब ऑपरेटिंग मार्जिन की भी बात करें तो ऑपरेटिंग मार्जिन 28.97 है, जो कि ईयरली बेसिस पे यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया, जो कि मुझे एक अच्छे खासा पॉइंट यहाँ पर नजर आया। क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा श्रिंक हुआ, बट या इक्वली कह सकते हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट इनकी अदर इनकम यहाँ पर देखे तो कुछ खास नहीं है, स्टिल यहाँ पर यहाँ पर 1.59 करोड़ की है। और यहाँ पर देखेंगे तो ईयरली बेसिस पे और क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आया है, जस्ट बिकॉज यहाँ पर टैक्सेस है जो कंपनी के टैक्स थोड़े से यहाँ पर कम पे किया है। बट यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी का ईयरली पे इस बार का जो प्रॉफिट है 6 करोड़ 28 लाख का, जो कि ईयरली और क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आया है। कंपनी ईयरली बेसिस पे यहाँ पर लगातार यहाँ पर 2019 तक अच्छा परफॉर्मेंस दे रही थी, इसका थोड़ी गिरावट हुई है, पेंडेमिक आया, दोबारा कंपनी लगता है कि अच्छा खासा परफॉर्मेंस देती हुई नजर आ सकती है। तो इस कंपनी के बारे में यहाँ पर सोच सकते हैं। और कंपनी अगर धीरे धीरे अच्छा खासा परफॉर्म करेगी तो ऑब्वियसली बात है ये यहाँ पर दोबारा ये कंपनी भी बड़ी होती हुई दिखाई दे सकती है। रिजर्व्स की बात करें कंपनी का 341 करोड़ के यहाँ पर रिजर्व्स है। बोरिंग कंपनी की कम होती है नजर आई है, यहाँ पर देख सकते हैं 70 करोड़ की बोरिंग रह गई है। इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। कैश की बात करें कंपनी के पास यहाँ पर 31 करोड़ रुपए का यहाँ पर कैश भी है, ट्रेड रिसीवेबल अच्छा खासा है कंपनी का। और यहाँ पर प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर्स ने इस पर्टिकुलर क्वार्टर में लगभग पॉइंट कुछ परसेंट की हिस्सेदारी यहाँ पर कम करी है, अभी 49.41% की हिस्सेदारी है, जो कि अच्छी खासी हिस्सेदारी है। FIs ने अभी फिलहाल एंट्री लिया और 0.09% की हिस्सेदारी, ज्यादा नहीं है। और FIs DIs यहाँ पर एंट्री बड़ी कंपनी में ही करते हुए नजर आते हैं, जिनकी मार्केट कैप 10,000 करोड़ से ऊपर की होती है, तो ये छोटी कंपनी बहुत कम ही यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। पब्लिक की बात करें 50% के शेयर यहाँ पर पब्लिक के पास है, 50% के शेयर प्रमोटर्स के पास है। बट इस 50 में भी यहाँ देखेंगे तो इस पर्टिकुलर क्वार्टर में काफी बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पर हिस्सेदारी खरीदी है, यहाँ पर अगर आप काउंट करेंगे तो लगभग 10-15% की हिस्सेदारी यहाँ पर नजर आती है। तो बाकी सारी ऑपरेटर और बड़े बड़े लोगों के पास यहाँ पर ये पर्टिकुलर हिस्सेदारी है। शेयर यहाँ पर इसके रिजल्ट आए थे, रिजल्ट आने के बाद शेयर यहाँ पर भागता हुआ नजर आया। इसके बाद 202 का हाई बना के यहाँ पर लगातार लोअर सर्किट लगा। तो जैसे कि मैं आप बताता हूँ कि ये छोटे शेयर होते हैं जिनकी मार्केट कैपिटल छोटी होती है, ऐसे शेयर में ऑपरेटर ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो अभी फिलहाल क्या करना है यहाँ पर देखेंगे वॉल्यूम, तो कंपनी के जो वॉल्यूम है वो काफी बेहतरीन यहाँ पर वॉल्यूम नजर आते हैं। और शेयर यहाँ पर 29 के RSI पे भी आ गया है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति बना के इसमें आने वाले इसके रिजल्ट तक यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और एट लास्ट हमें अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट होने की पूरी गुंजाइश है। और उसके बाद जब मार्केट यहाँ पर गिरती हुई जैसे ही मार्केट रिकवर होगी तो ये शेयर भी उसके साथ साथ यहाँ पर रिकवर होता हुआ नजर आएगा, जैसे कि हमने इसके रिजल्ट यहाँ पर पढ़े हैं। और कुछ चीजों की यहाँ पर बात करें तो शेयर यहाँ पर ऑलरेडी अच्छा खासा यहाँ पर भाग चुका है और उसके बाद एक अच्छे खासे लेवल से ऊपर जाके यहाँ पर नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से मुझे नहीं लगता यहाँ पर एक आध दिन के अलावा या ज्यादा यहाँ पर लोअर सर्किट लगेगा, क्योंकि चीजें यहाँ पर नीचे आने का दोबारा ऊपर ही जाती हुई यहाँ पर साफ साफ नजर आती है। कंपनी के रिजल्ट यहाँ पर अच्छे खासे नजर आ रहे हैं, सब चीज यहाँ पर अच्छी खासी नजर आ रही है। तो इस पर्टिकुलर शेयर को यहाँ पर इसके ऑल टाइम हाई तक यहाँ पर दोबारा जाने जाने जाते हुए मैं देखता हुआ नजर आता हूँ, ये पर्टिकुलर शेयर यहाँ पर जाता हुआ मुझे एटलीस्ट यहाँ पर नजर आता है। बट ऑलरेडी ये शेयर नवंबर से लेके अभी तक अच्छा खासा यहाँ पर परफॉर्म कर चुका है, पर लगभग 4 गुना शेयर यहाँ पर हो चुका है। तो और रिजल्ट भी अच्छे खासे आए हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है कि शेयर दोबारा नहीं भाग सकता। क्वार्टर का वेट करिए, नेक्स्ट क्वार्टर का अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। अब जब चीजें भागेगी अपर सर्किट में ही यहाँ पर भागती हुई नजर आएगी और ये शेयर 50 DMA के नीचे भी चलता हुआ नजर आ रहा है। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करे। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे और इससे रिलेटेड जो भी आगे यहाँ पर अपडेट होगी जैसा भी होगा मैं यहाँ पर अपडेट करने की बिल्कुल कोशिश करूंगा और यहाँ पर हमें जितना हो सके सपोर्ट करने की कोशिश करे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।